हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो आज का जो वीडियो है उसमें बात करने वाले हैं कि स्टिल लाइफ ड्राइंग में क्या ख्याल रखें। ठीक है, जब स्टिल लाइफ ड्राइंग रखते हैं तो क्या क्या चीज़ का ख्याल रखना है ड्राइंग करते समय। टिप्स दूंगी मैं आप लोगों को और थोड़ा गाइड भी करूँगी ताकि आपको ये हेल्प करे आपके वर्क में। जैसे कि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज आते हैं, कमेंट में भी आते हैं कि मैम स्टिल लाइफ वर्क को समझ नहीं आ रहा, स्पेशली बैकग्राउंड को लेके समझ नहीं आ रहा कि बैकग्राउंड में कैसे कलर डाले, सॉरी कैसे कलर बोली, कैसे स्केच करे, कैसे कंपोज करे, किस तरीके से काम करे, तो समझ नहीं आ रहा, तो उसको लेके बताइए। और वैसे वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है स्टिल लाइफ को देखे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करना है। लाइक मर्ज में मैंने बताया है, 45 डिग्री में सिर्फ बताया है, मर्ज विद 45 डिग्री बताया है, ओनली मर्ज में बताया है। तो हर तरह के टिप्स के साथ मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। स्टिल लाइफ वर्क प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा स्टिल लाइफ वर्क करके बहुत सारे वीडियोज़। ठीक है, लेकिन फिर भी एक टिप्स दे दूँ कि क्या आपको ध्यान रखना है जब आप स्टिल लाइफ काम करते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टिल लाइफ में होता है लाइट और शेड। जितना अच्छा से आपका ऑब्जेक्ट पे लाइट और शेड पड़ रहा है वो बहुत ही, मतलब जब आप ड्राइंग करोगे तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखा। तो स्टिल लाइफ वर्क में लाइट शेड बहुत इम्पॉर्टेंट रखता है, पहला बात तो वो। दूसरा कि हाँ, ये नहीं कि चारों लाइट शेड भी आपको देना है। जहाँ मान लीजिए आपने कहीं ऑब्जेक्ट रखा किसी टेबल पे और एक तरफ से लाइट दीजिएगा, ये नहीं कि इधर से भी लाइट दे रहे इधर से भी लाइट दे रहे, नहीं। अगर आप एक तरफ से लाइट दीजिएगा तो उसका शैडो भी पीछे पड़ेगा, तो वो जो शैडो पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो वो बहुत रियलिस्टिक निकल के आएगा। ठीक है, अगर आप चारों साइड से लाइट दे दिए तो उसका शेड अच्छे से दिख नहीं पाता क्योंकि लाइट चारों साइड से। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखें जब आप स्टिल लाइफ काम कर रहे हैं तो आपका लाइट एक साइड से आना चाहिए। अगर विंडो वगैरह खुला है तो सब बंद कर दीजिए, सिर्फ एक साइड से लाइट आए। सेकंड, क्या आपको ध्यान रखना है कि आपका कंपोज वर्क किस तरीके से आपने कंपोज किया है। कंपोज में ये ध्यान रखना है कि जो आप मटेरियल ले रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि जैसे तैसे रख दिया, उसको सही से कंपोज करके रखना है कि वो एक इकट्ठे एक मतलब कंपोजिशन लगे, ये नहीं कि बिखरा बिखरा लगे। और कंपोज करके भी मैंने एक वीडियो है मेरा स्टिल लाइफ पे जिसमें मैंने दिखाया है कि आप कैसे कंपोज करके सामान रखेंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले सेकंड आपका बात होता है कि आप कंपोज अपना ऑब्जेक्ट कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट तो आपका लाइट सेट आ गया, सेकंड आप अपना वर्क जो ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो कैसे कंपोज कर रहे हैं। थर्ड आता है गाइस कि कैसे चूज़ करें ऑब्जेक्ट और डेफरी, किस तरीके से चूज़ करें कि दोनों ही अलग अलग लगे। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे बनाने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट और साथ में डेफरी का काम कर रहे हैं, तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट ले रहे बनाने के लिए तो जो उसका डेफरी होगा, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ले रहे वो लाइट कलर में है, तो याद रखिए जब ऑब्जेक्ट आपका लाइट कलर में है तो डेफरी आपका डार्क कलर में होना चाहिए। अगर डार्क कलर में डेफरी रहता है और ऑब्जेक्ट लाइट कलर में होता है तो डार्क लाइट मतलब ऑब्जेक्ट फिर अलग दिखेगा और डेफरी अलग दिखेगा, तो वो कंपोज बहुत अच्छे से होगा और रियलिस्टिक दिखेगा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखेगा। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट आप कुछ ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो डार्क है तो फिर डेफरी लाइट रखिएगा। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखना। जब एग्ज़ाम में भी देते हैं तो वो लोग ये चीज़ सोच के देते हैं, ऐसा नहीं है। जब वो लोग कोई ऑब्जेक्ट डार्क रखते हैं तो जो डेफरी है वो लाइट रहेगी, या डेफरी डार्क रहेगी तो ऑब्जेक्ट लाइट रहेगा, तो वो लोग एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से कंपोज करते हैं। तो आपको भी जब आप कंपोजिशन कर सॉरी जब आप स्टिल लाइफ कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो आप जो भी ऑब्जेक्ट लिए आप पहले ऑब्जेक्ट सही से चूज़ कीजिए, उस हिसाब से आप अपना डेफरी चूज़ कीजिए कि ऑब्जेक्ट से डेफरी अलग लगे। ठीक है, तो अगर उसमें आप शेड करते हैं तो दोनों का पता चलना चाहिए कि हाँ। आप लोग जो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग स्टिल लाइफ की वर्क शेयर करते हैं, किसी किसी की तो कुछ ही लोग हैं गिने चुने जिनके अच्छे हैं, लेकिन मोस्टली लोगों का बहुत ही वीक है। और वो लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि आप लोग का जो सारा शेडिंग होता है एक जैसा लगता है। ठीक है, बैकग्राउंड एक जैसा लगता है, ऑब्जेक्ट एक जैसा लगता है, मिल जाता है, अलग अलग नहीं लगता, मेन चीज़ ये गलती करते हैं। तो इसको अलग अलग रखिए, और अलग अलग तभी रख पाइएगा ना जब आप वैसा कंपोज कीजिएगा। वैसे आप डेफरी लाइट रखते होंगे, ऑब्जेक्ट भी लाइट रख देते होंगे, तो उस तरीके से आप लाइट मार देते, तो ये नहीं करना है आपको। आप लोग यहीं पे मिस्टेक करते, तो ये सारी चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी है। और जब शेड करते हैं तो आप लोग का लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, आप लोग लाइट रिफ्लेक्शन देते नहीं होंगे,
और वीडियो में मैंने लाइट रिफ्लेक्शन भी बताया, मैं खुद से बकायदा एक बल्ब से एकदम एक साइड से लाइट देते हुए दिखाई हूँ, जिसमें आप इजीली अपने घर पे भी उस तरीके से लाइट करके आप एक बार वीडियोस में, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी कि मैंने स्टिल लाइफ का कंपोज कैसे किया था, तो प्लीज़ एक बार आप वो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग का लाइट और शेड का मिस्टेक होता है, आप लोग का पूरा जो शेड होता है सारा एक जैसा लगता है बैकग्राउंड का और ऑब्जेक्ट का, तो ये सब मिस्टेक होती है। ऐसा कीजिए कि बैकग्राउंड अलग लगे, ऑब्जेक्ट अलग लगे, ठीक है। और वो चीज़ ख्याल रखना, लाइट शेड ख्याल रखना है। और साथ में एक और चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जब कोई ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हैं लाइक स्टिल लाइफ में, तो क्या होता है कि अल्मीनियम कर रहे तो अल्मीनियम का इफेक्ट देता है, कोई स्टील का काम करे तो स्टील का काम इफेक्ट देता है, कोई प्लास्टिक मटेरियल करे तो प्लास्टिक मटेरियल आपको शेड ऐसा करना है कि वो इफेक्ट देगा। पोट कर रहे हैं हम लाइक मिट्टी का पोट कर रहे हैं तो वो भी इफेक्ट देगा। और ये सब चीज़ें इफेक्ट आप लोग में मिसिंग लगती है, आप लोग का मतलब सब एक जैसा लगता है। स्टील रखा, स्टील का मान लीजिए आपने तीन ऑब्जेक्ट में स्टील रखा है, अल्मीनियम रखा है, प्लास्टिक रखा है, तो सबका शेड आप लोग का एक जैसा लगता है। जो मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैं शेयर करते हैं मुझे अपना वर्क, तो उनको मैं बता रही हूँ कि आप लोग को मैं मैसेज भी करती हूँ, तो बकायदा कि आप लोग का सेम लगता है। तो इस तरीके से नहीं, क्योंकि मैंने स्टील पे भी वीडियो अपलोड किया है, अल्मीनियम पे भी वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, सीसा का ग्लास वगैरह उस पर भी वीडियो अपलोड किया है, पोट पे भी वीडियो अपलोड किया है, प्लास्टिक की बाल्टी पे भी वीडियो अपलोड किया है। तो जो अलग अलग मटेरियल है लाइक सीसा हो गया, पोट हो गया मिट्टी का, प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, और आपका अल्मीनियम हो गया, तो सब में अलग अलग, अल्मीनियम है तो अल्मीनियम इफेक्ट दे रहा है, स्टील है तो स्टील इफेक्ट दे रहा है, गमला है तो गमला का इफेक्ट दे रहा है, पत्ता है तो पत्ता का इफेक्ट दे रहा है, तो वो सारा इफेक्ट दे रहा है। तो इस तरीके से आपका ड्राइंग में इफेक्ट नहीं रहता, तो आप एक बार वीडियोस देखिए कि हाँ मैं कैसे काम, मैंने कैसे वर्क किया है कि वो इफेक्ट दे रहा है, उसमें मैं बताती भी हूँ। लाइक अल्मीनियम जो रहता है, अभी कल ही मुझे एक दो दिन पहले ही आया था कि स्टील का वर्क था और स्टील का इफेक्ट ग्लास था, किसी का था मुझे नाम नहीं याद है, उसमें स्टील का इफेक्ट बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि स्टील जब हम करते ना तो एक तरफ से एकदम से डार्क, एकदम से लाइट उसका चमक पड़ता है, जब अल्मीनियम का काम करते हैं तो वो हल्के में होता है, मतलब मीडियम में करते हैं, बहुत ना डार्क करते हैं, ना कहीं चमक होती है लाइट, ना कहीं एकदम एक जगह लाइट फोकस पड़ता है, तो ये रहते हैं सब टेक्निक है। जब मिट्टी का काम करते हैं, जब पोट वगैरह करते हैं, तो वो तो पूरा ही खैर डार्क होता है एकदम से, तो वो सब सारी चीज़ें हैं। आप शीशे का काम कर रहे हैं तो शीशे का भी एकदम अलग से रिफ्लेक्शन दिखता है बहुत सारा, तो वो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। तो चीज़ें हैं जो आपको करते करते आएगी, आप प्रैक्टिस करते करते, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आएगी। एक दो करके, तीन चार करके आप सोच रहे हो कि सीख जाओगे, नहीं, बहुत करना पड़ता है। तो गाइज़ ये सब सारी टिप्स है जिसका ख्याल रखना है आपको जब आप अपना काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट शेड, आपका कंपोज कैसे कंपोज कर रहे हैं, आपका डेफ्री और जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों अपोजिट होना चाहिए, डेफ्री अगर डार्क है तो ऑब्जेक्ट लाइट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लाइट है तो डेफ्री डार्क होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट डार्क है तो डेफ्री लाइट होना चाहिए, ये चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। जो जैसा मटेरियल दिख रहा है उसमें शेड वैसा डालें, वैसा इफेक्ट डालें, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप मर्ज नहीं कर सकते या 45 डिग्री नहीं कर सकते, ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि DU में मर्ज करना अलाउ नहीं है, ठीक है। मैंने तो DU का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मुझे आइडिया नहीं है कि DU में मर्ज करना अलाउ है कि नहीं है, लेकिन मेरा ही क्लासमेट है अभी, वो खैर BHU में एडमिशन लिया है उसने, तो उसने DU का भी दिया था और उसने मर्ज बेस्ड पे काम किया था, मर्ज करके पहले उसके ऊपर 45 डिग्री का स्ट्रोक चलाया था और उसका क्वालिफाई हो गया था। तो जब उसका क्वालिफाई हो गया तो आखिर अलाउ है, तब तो क्वालिफाई हो गया है ना। और अभी प्रीवियस ईयर 2020 में ही मेरा एक जूनियर है, उसने भी ऐसे ही प्रोसेस का यूज़ करके DU में एग्ज़ाम दिया था और उसका भी क्वालिफाई हो गया। तो फिर जब क्वालिफाई हो रहा है तो मर्ज तो अलाउ है, तब तो क्वालिफाई हो रहा है, तो मुझे मैसेज आते कि DU में मर्ज करके काम करना मैम मार्क्स कट जाते हैं या क्वालिफाई नहीं करते, तो ऐसा कुछ नहीं है। एट ऑफ द एंड यही होता है कि आपका काम अगर अच्छा है, रियलिस्टिक एकदम वैसा इफेक्ट आ रहा है, आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। आपके काम अच्छा होना चाहिए, 45 डिग्री मर्ज ये सब मैटर नहीं करता। और BHU का ऐसा सीन है गाइस कि
कहा ही जाता है कि 45 डिग्री होना ज़रूरी है, मतलब वहाँ के सारे बच्चे अगर आप इंट्रेंस का भी तैयारी करेंगे ना, आप जा कर के वहाँ के जो टीचर्स तैयारी करवाएंगे तो सबको दिखेगा कि वो 45 डिग्री पर 100% काम कर रहे हैं। आखिर वो मर्ज भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर 45 डिग्री का स्ट्रोक लगा ही लगा रहे। तो ये माना जाता है, अपना अपना कॉलेज का अलग अलग यूनिवर्सिटी का थोड़ा थोड़ा अपना अपना रूल्स हो जाता है। तो बस ये सब सारी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे स्टिल लाइफ में तो आपका स्टिल लाइफ वर्क इम्प्रूव होगा। और आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें उसको भी देख के अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपका वर्क में इम्प्रूव होगा। तो आई होप गाइस कि आपको आज का टिप्स पसंद आया होगा और जो भी मैंने गाइड किया आपको सही लगा होगा। और भी कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन है ही, पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, नमस्ते।